दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आरओ एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी। महाराष्ट्र सरकार के 50 करोड़ वृक्षारोपण मुहिम के अंतर्गत करमाड ग्रामीण अस्पताल में 2016 में लगाए गए पेड़ों को बिना किसी के इजाजत के काट दिया गया। एक तरफ राज्य सरकार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान चला रही है और दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में पेड़ों को काटा जा रहा है। कोरोना काल में पेड़ों की क्या अहमियत है यह हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन बिना किसी के इजाजत के पेड़ों को काट दिया गया। इसी के चलते करमाड पुलिस थाना में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। अवैध रूप से पेड़ों को काटने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग करमाड़ ग्राम पंचायत के माजी सरपंच दत्ता उर्गेड़े और गांव के नागरिकों ने की है। आज जो है तो करमाड़ ग्रामीण रुग्णालय में झाड़ों का एकदम मनमानी कारोबार करते हुए झाड़ों की कत्तल, जो कि बिना कोई परमिशन ना लेते हुए कोई इमारत बनाने के नाम पर बड़े बड़े 4-5 साल के बड़े झाड़ों को कत्ल कर दिया गया। जो मैं तो ये मानता हूँ, जो जिन लोगों ने 2016 में झाड़ लगाए थे एकदम दुष्काल के टाइम में, उसको पानी भी नहीं डाल के उनको एकदम बच्चों की तरह ये करके झाड़ लगाए थे, आज ये झाड़ों की नहीं तो उन लोगों की मेहनत की भी मैं समझता हूँ या कत्ल किया गया है। तो भी मैं प्रशासन से विनंती करता हूँ कि इन झाड़ों की कत्ल करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आंदोलन का इशारा देते हैं। अभी हमारे साथ में करमाड़ ग्राम पंचायत के माजी उप सरपंच है दत्ता भाऊ। दत्ता भाऊ, इसकी परवानगी आपको ये पता है क्या कि ये झाड़ किसने तोड़े हैं और किसके परवानगी से तोड़े हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? झाड़ किसने तोड़े ये तो हमको ही मालूम नहीं है किसने तोड़े, तो लेकिन कुछ तो भी बिल्डिंग का काम करना है इसके लिए उन्होंने झाड़ तोड़े, ऐसे वो जो मैडम है यहाँ की इंचार्ज, उन्होंने मेरे को बोला है। अब क्यों तोड़ा तो बोले रीज़न दे दिया कि बोले यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। अरे भाई, बिल्डिंग बनाना है आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग एक नहीं 10 बनाओ, हमारा कुछ उसमें नहीं। लेकिन जो वृक्ष प्रेमी है जो हर साल झाड़ लगाते हैं, उनको और हमको ये लगाने का बहुत सारा दुख हो रहा है और इसके लिए मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि उन्होंने जल्द से जल्द उन जिसने झाड़ तोड़े है कोई क्यों नहीं होता उस पर कार्रवाई करनी होना। आपको क्या लगता है करमाड़ के घाटी अस्पताल के अंदर जो बिल्डिंग का जो अभी शुभारंभ करने की बात चढ़ी है, तो इसकी ज़रूरत है क्या? ये इसके पहले भी जो जगह है ये खाली इस वक्त खाली है? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत है क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, लेकिन पहले अपना PM रूम बनाने वाला है, लगभग 3-4 साल हो गए उसको तैयार होके पड़े वाला है, सब मटेरियल उसका सामान आके हो वाला है, लेकिन फिर भी अभी तक PM यहाँ पे होता नहीं, वो रूम का बिना इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं करे तो ये बिल्डिंग मान के इसका क्या इस्तेमाल करने वाले है। जो आज तुम्हारे पास PM के लिए लोगों को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद जाना पड़ता है, अगर वही सुविधा यहाँ पे ग्रामीण रुग्णालय में है, ये 5 साल से बिल्डिंग बन के पड़े वाली है उसमें नहीं कर रहे, तो ये बिल्डिंग बना के क्या करने वाले, खाली इसमें कमीशन खाने का मामला मेरे को दिख रहा है। अभी शासन से आपकी क्या अपेक्षा है, क्या मांग है आपकी? मेरी शासन से यही मांग है जो कोई इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको जो कुछ शासन का नियम होगा वो नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए इमरान खान, औरंगाबाद।